अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज भाजपा कार्यालय बिछना में जहां योग दिवस जो है वो मनाया गया है, हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया जाता है इसकी मान्यता जो है 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी दुनिया में इसको मान्यता दिलवाई। हमें रोज योग करना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए, कई किस्म की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए योग जो है वो हमारी प्राचीन एक संस्कृति है और हमारे ऋषि मुनि जो हजारों साल तपस्या करते थे, योग करते थे और स्वस्थ रहते थे, तो उसी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है और आज पूरे दुनिया में ये योग दिवस जो है मनाया जा रहा है। हमारे देश के अंदर हर जगह, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव, हर गली, हर घर में ये योग जो है वो मनाया जा रहा है। आज हमारे देश के लोग जो हैं वो योग को समझे हैं और आज उसी सिलसिले में यहाँ हमने भाजपा कार्यालय में भारतीय योग संस्थान के सानिध्य से आज यहाँ उनके सहयोग से आज यहाँ हमने योग दिवस जो है मनाया है। मैं भारतीय योग संस्थान का भी धन्यवाद करता हूँ जो लगातार कई सालों से लगातार पूरे दुनिया और देश में इसका प्रचार और प्रसार जो है वो कर रहे हैं और कई लोग इससे स्वस्थ हुए हैं, बीमारियों से छुटकारा मिला है। ऐसे ही हमें रोज योग करना चाहिए और आज के दिन मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप रोज आएं, रोज योग करें, स्वस्थ रहें और आज जैसे कोरोना महामारी जो पूरे विश्व और हमारे देश के अंदर जिसका प्रकोप जो है वो बहुत जहां प्रकोप इसका रहा है और आज अगर हम लोग योग करेंगे, रोज योग करेंगे तो ऐसी महामारी से बचने के लिए भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और ऐसी आपदाओं से भी, मुश्किलों से भी हम लड़ेंगे। तो मैं आज के दिन सबको शुभकामनाएं देता हूं, ऐसे ही हम रोज जो है योग करें, स्वस्थ रहें। अपूर्ण दिन है आज का और आप देख रहे हैं इतने खूबसूरत लॉन्स में आज स्पोर्ट्स काउंसिल ने और डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे समारोह आयोजित किया है। हमारे साथ में यंग पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर योग कर रहे हैं, हमें भी मौका मिला इनके साथ यहाँ आज योग करने का। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को योग का महत्व पता है, अपने लाइफस्टाइल में योग और योगिक प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर कोविड पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि ब्रीदिंग से इसका ताल्लुक है और लंग फंक्शन इससे इम्प्रूव होते हैं, तो कोविड पैंडेमिक के दौरान इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं आज कर रहे हैं, आपके माध्यम से जो टेलीकास्ट होगा और इसमें मोटिवेशन मिलेगी सभी आय वर्ग के लोगों को योगिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की, योगिक एक्सरसाइजेस को फॉलो करने के लिए। और हम सब लोग एक जो आज नारा है हेल्दी इंडिया फिट इंडिया, उसकी तरफ आगे अग्रसर होंगे। थैंक यू सर।